द्वारा पूर्व में शिकायत की गई है। खपरा डी में कुछ सब्जी व्यापारी हैं, वो अपना मार्केट बना रहे हैं अवैध रूप से करके। उसमें कुछ जमीन शासकीय जमीन है और कुछ जमीन आदिवासी जमीन है करके। तो हमने शिकायत को अपने न्यायालय में दर्ज किए हुए हैं और जांच के लिए पटवारी आरआई को लिखे हैं। उनको जवाब मांगने के लिए हमने नोटिस भी भेजा है, जो निजी अपने जमीन में जा रहे हैं उनको। आपको क्या लगता है सर, इस प्रकार के क्या कोई भी व्यापारी कहीं जा सकते हैं? अब देखिए, इन लोग कुछ वर्षों से जो शहर में बस स्टैंड के नाम से जो निर्माण हुआ है, वहाँ पे इन लोग सब्जी का व्यापार कर रहे थे। तो अभी जैसे आबादी जैसे बढ़ रहा है, वैसे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। हमको एक व्यवस्थित बस स्टैंड की आवश्यकता है, तो बस स्टैंड को खाली कराना हमारे प्राथमिकता में थी। हमने खाली कराया और इन लोग अपने निजी भूमि में अभी गए हुए हैं। इनका एक जवाब भी आया है सब्जी व्यापारियों का, जैसे ही शासन प्रशासन द्वारा विकसित करके इनके लिए मार्केट डेवलप किया जाएगा, इन लोग आके उसमें व्यापार अपना करेंगे करके। तो शासन स्तर पे किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि बस स्टैंड से इनको हटाने कहा गया, अभी निजी में जा रहे तो निजी में भी इनका विरोध हो रहा है, तो किस प्रकार की अब इनके लिए व्यवस्था की जाएगी? अभी तो अस्थायी रूप से हम लोग निजी में गए हैं। जब जैसे ही मार्केट इधर डेवलप होगी, हम इनको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। इन लोग को किस प्रकार का आश्वासन मिला कांग्रेस का? इनको हमने बताया है कि आपके दो मुद्दे में जो शिकायत हुई है, एक आदिवासी भूमि की, एक शासकीय भूमि, दोनों मुद्दे में कार्रवाई हम करेंगे। यदि इस तरह की शिकायत मिलेगी तो हम जरूर उसमें कार्रवाई करेंगे।